बहुत सारे लोग ये बोलते हैं जी, अगर हम अनाज खाना बंद, बड़े आजकल YouTube पे भी आप देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि अनाज खाना बंद कर दें 30 दिनों के लिए तो ये चमत्कार होगा, वो होगा, ऐसा होगा, अनाज नहीं खाना चाहिए, वीट नहीं खाना चाहिए। आज का टॉपिक है, देखो दो तरह की बीमारियां हैं, एक तो कि अनाज बिल्कुल ही टॉलरेट ही नहीं कर सकता पेशेंट, जैसे ही वो अनाज खाता है उसको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसमें से एक बड़ी प्रॉब्लम है ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसको बोलते हैं सीलिएक डिजीज़, जिसमें ग्लूटेन यानी कि अनाज बिल्कुल बंद है। ग्लूटेन होता क्या है? ग्लूटेन होता है वीट, गेहूं, राई और जौ, बार्ले, ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है। लेकिन सीलिएक डिजीज़ के अलावा एक बीमारी और होती है, जिसको मैं बीमारी नहीं बोलूँगा, जिसको बोलूँगा कि बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करता है, बीमारी नहीं है, पर जब भी वो वीट खाते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम होने लगती है छोटी मोटी, है ना। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम बताऊंगा जिसको सुन के शायद आपको लगे कि हाँ यार मुझे भी ऐसा तो नहीं है। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जहाँ पे ये देखा गया कि अगर हम अनाज खाना बंद कर दें तो हमारे सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक है, तो ये पता होना चाहिए एक्चुअली ग्लूटेन जो आप खा रहे हो उसमें क्या क्या, किस किस चीज़ों में ग्लूटेन है। जैसे आप रोज रोटियां खाते हो तोड़ के सुबह से शाम तक, हमारे यहाँ तो बस नाश्ते में 2 पराठे, दोपहर को तीन चार रोटियां, शाम को तीन चार रोटियां, पूरा दिन बस जब भूख लगे तो रोटी खाओ, रोटी खाओ, रोटी खाओ। ये कुछ लोगों के साथ यही होता है, सुबह उठते ही बस पराठे भी शुरू हो जाते हैं। तो पंजाबी में तो खास तौर पे मक्खन भी होना चाहिए, दो बड़े बड़े आलू के पराठे होने चाहिए। सुन लो आगे, अभी मजाक नहीं है। एक तो रोटियों में, ठीक है, वीट की जो रोटी होती है, उसके अलावा पास्ता, उसके अलावा जो आप बिस्किट खाते हो, है ना, तो इसके अलावा और भी बियर, फर्मेंटेड जो बियर होती है उसमें भी, प्रोसेस्ड जो मीट होता है, सोया सॉसेज होते हैं, इनमें भी ग्लूटेन होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ सिम्टम बताने जा रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो आप कुछ दिनों के लिए अनाज छोड़ के देखें, वीट छोड़ के देखें, जौ छोड़ के देखें, राई छोड़ के देखें। अगर ये तीन चीज़ें मैंने बताई है, अनाज, राई, जौ, है ना, वीट, राई, बार्ले, अगर आपके पेट में हमेशा गैस, जैसे ही आप खाना खाते हैं और आपके पेट में गैस बन जाती है और पेट फूल जाता है, हमेशा भारी भारी सा रहता है, ब्लॉटिंग होती है, तो ये एक सिम्टम हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ग्लूटेन से या वीट से कुछ प्रॉब्लम है, सेंसिटिविटी है, आप उतने अच्छे ढंग से उसको पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, स्टमक पेन, खाते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो एक बार ज़रूर अनाज बंद करके देखें, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि आपको ग्लूटेन से सेंसिटिविटी हो, ठीक है। मैं ग्लूटेन सीलिएक डिजीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, एक सीरियस प्रॉब्लम है। मैं और ये देखा गया कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी 1% से लेकर 13% तक के वर्ग के लोगों में है, जिनको अनाज बहुत अच्छे ढंग से नहीं डाइजेस्ट होता है। इसके अलावा डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, कभी पेट सही नहीं रहता, कभी कब्ज हो जाती है, कभी लूज मोशन लग जाते हैं, तो ऐसे ही चलता रहता है, या हमेशा ही आपका कब्ज रहनी शुरू हो गई है। तो इन लोगों को भी थोड़े दिनों के लिए अपना अनाज बंद करके देखना चाहिए कि क्या उनसे उनका पेट सही रहता है। कुछ लोगों को हेडेक और माइग्रेन्स भी देखे गए हैं, ठीक है, रेगुलर हेडेक रहता है, माइग्रेन रहने शुरू हो गए हैं, तो ये देखा गया है कि इसमें भी ग्लूटेन का रोल देखा गया है। और काफ़ी जगह मैं अब आपको लास्ट में कोई बीमारियां भी बताऊंगा कि जहाँ पे ग्लूटेन फ्री खा के, अनाज खा के, ग्लूटेन फ्री वाला आटा खा के या कुछ चीज़ें खा के, आपको मतलब इन चीज़ों को त्याग करके, वीट, राई, बार्ले को, कि आपके सिम्टम में कितना सुधार होता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पेट की बीमारियां नहीं है, जहाँ पे अनाज छोड़ने से फ़र्क पड़ता है। दूसरा, थकान, आपको हमेशा ही थकान रहती है, खाना खाया थकान आ गई, नींद आ गई, सो गए, है ना, मन करता है बस बैठ जाऊँ खाना खाने के बाद, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी ये शो करते हैं। इवन डिप्रेशन और एंग्जाइटी भी, ये देखा गया कि उसमें भी ग्लूटेन फ्री डाइट का रोल है। अगर आपको डिप्रेशन एंग्जाइटी है तो ये आप कुछ दिनों के लिए ट्राई करके दे सकते हैं कि अगर मैं अनाज छोड़ता हूँ तो क्या मेरे डिप्रेशन और एंग्जाइटी में फ़र्क पड़ता है, ठीक है तो अजीब सी बात, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एक बीमारी और भी है जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जहाँ पे ग्लूटेन फ्री डाइट खाने से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो और एक और बीमारी है ज्वाइंट पेन की, कई लोगों को ज्वाइंट पेन, मसल पेन शुरू हो जाते हैं ये वीट खा के, तो अगर आपको ये ज्वाइंट पेन, मसल पेन अक्सर रहने शुरू हो गए हैं तो आप भी कुछ दिनों के लिए त्याग दीजिएगा। क्या क्या त्याग है, इंसान त्यागी बन जाए बस, ब्रेन फोग, है ना, याददाश्त कम होती जा रही है, मेमोरी वीक हो गई है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद अभी किया था, अभी क्या काम करना था फिर भूल गए, तो और कोविड के बाद स्पेशली ये ब्रेन फोग ज़्यादा होने लगे, तो इन लोगों को भी मैं बोलूँगा कुछ दिनों के लिए अनाज त्याग करके देखें, त्यागी बन के देखें, है ना। तो
फिर पता चलेगा। और तो ये चीज़ें मैंने बताई हैं। और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जहां पे ग्लूटेन फ्री डाइट लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है, ये एक मेन टॉपिक है। पेट के अलावा ऐसी कौन सी बीमारी, एक तो मैंने बताया आपको माइग्रेन और हेडेक, यहाँ पे आप ग्लूटेन फ्री डाइट लेके देखें। दूसरी एंजाइटी डिप्रेशन, तीसरी स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया एक है जहाँ पे एक सेकेट्रिक इलनेस है जहाँ पे लोगों को हॉलुसिनेशंस होते हैं, डिलूजन्स होते हैं, है ना। तो उसमें भी देखा गया है कि अगर हम इसको छोड़ के देखें तो कुछ फ़ायदा हो सकता है। एपिलेप्सी एक और बीमारी है, मिर्गी के दौरे जिनको पड़ते हैं, वहाँ पे एक यहाँ तो प्रूव्ड रोल है इसका, ग्लूटेन फ्री डाइट का एपिलेप्सी में। तो जो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिनको, तो अगर बहुत फ्रिक्वेंसी है और दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो एक बार ग्लूटेन फ्री डाइट पे रह के देखें तब पता चलेगा। ऑटिज्म जो होता है उसमें भी ये देखा गया है कि इस ग्लूटेन फ्री डाइट का एक रोल है। अगर आपको आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन है, तो वहाँ पे भी आप एक बार ग्लूटेन फ्री डाइट करके देखें, शायद आपको फ़ायदा हो। साइड इफ़ेक्ट क्या है ग्लूटेन फ्री डाइट लेने के? साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप व्हीट खाना बंद करें तो कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो जाएं, कुछ कमियां ना हो जाएं, लाइक आयरन की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, कुछ और मिनरल्स की कमी हो जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। तो कुछ सप्लीमेंट लेने पड़ सकते हैं साथ में। दूसरा, कॉस्ट बड़ी महंगी है। ग्लूटेन और ग्लूटेन फ्री डाइट में करीब आटा, नॉर्मल आटा और दूसरे आटे में करीब 250% का फ़र्क है। तो एक गरीब आदमी कैसे ग्लूटेन फ्री डाइट खाएगा, उसके लिए प्रॉब्लम है। तो चावल खा के देख ले, अगर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, है ना, और क्या है, यही करके देख सकते हैं। राइस खा के देख लो थोड़े दिन। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। और तो ये ग्लूटेन सेंसिटिविटी बताइए कि ग्लूटेन से आप सेंसिटिव हो, है ना। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं ना, नेचर भी सेंसिटिव होती है। किसी ने कुछ कह दिया तो बस बैठ गए सोचने, और सोचे जा रहे हैं हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जबकि छोटी सी बात थी, है ना। तो ऐसे ही ये सेंसिटिविटी है कि ग्लूटेन एक आदमी खा रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, दूसरा आदमी खा रहा है ग्लूटेन उसको प्रॉब्लम हो रही है। सीरियस प्रॉब्लम हो रही है तो सीलिएक डिजीज है, जहाँ एनीमिया भी हो जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, पेशेंट इतने वीक हो जाते हैं, तो ये वो अलग प्रॉब्लम है, वो तो ऑटोइम्यून डिजीज है। लेकिन सेंसिटिविटी मतलब आपको उतने अच्छे ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता जितने दूसरे लोगों को होता है, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद आपके पेट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो 15-20 दिन, महीना भर के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट लेके देख लें। नहीं तो इसका एक टेस्ट भी होता है, हालांकि वो ग्लूटेन सेंसिटिविटी में पॉजिटिव नहीं आएगा, वो सीलिएक डिजीज में पॉजिटिव आएगा। तो अब बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आ जाए तो बात है, TTG IgA एंटीबॉडी नाम का एक टेस्ट होता है, वो करा के देख सकते हैं कि आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन सेंसिटिविटी में आएगा ये कोई गारंटी नहीं है। तो ये आपको अपने आप ही देखना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं एलिमिनेशन डाइट, कि आप कुछ चीज़ों को बंद कर देते हैं खाना कुछ दिनों के लिए, तो आपको पता चलता है कि आपको इससे प्रॉब्लम है, मुझे इससे प्रॉब्लम है यार। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अल